हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार आलू, जिसे आप चाहें तो सब्जी के तौर पर खा सकते हैं या ऐसे स्नैक्स भी। ये मसालेदार आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साथ ही ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए झटपट ये चटपटे मसालेदार आलू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम चार मीडियम साइज के आलू ले लेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, मैं इनका छिलका नहीं उतार रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो छिलका उतार सकते हैं। लेकिन एक बार आप नए आलूओं की बिना छिलका उतारे ये सब्जी बनाकर देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब सबसे पहले इन आलूओं को हम कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक आलू ले लेते हैं और पहले इनके एजेस को कट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब गोल स्लाइस में कट करने के बाद हम इन्हें बीच में इस तरह स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये आलू के वेजेस तैयार हो गए हैं। तो इस तरह जब हम कट कर कर सब्जी बनाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी ये सब्जी। तो इस तरह सारे आलू को हमने कट कर लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं 1/4 कप तेल। तेल के बजाय आप घी या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही अब इसके अंदर हम ये कटे हुए आलू डाल देंगे। तो आलूओं को पहले इस तेल के अंदर थोड़ा फ्राई कर लेंगे, इससे आलू थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो जब ये धीरे धीरे पकने लगेंगे तो इन पर हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा, जिससे कि आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने के अंदर। तो आप नॉन स्टिक पैन ना लेकर कोई स्टील की या एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ये फ्राई करें तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि ये हल्के हल्के कढ़ाई में चिपक कर बहुत ही अच्छे से क्रंची हो जाते हैं, जो खाने में और भी स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब आलूओं को हम ढककर कुछ देर के लिए पका लेते हैं। तो एक तरफ हम आलू चढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करते हैं इन आलूओं में डालने के लिए। तो एक छोटा पैन ले लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, साथ ही डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। पहले इनको लाइटली सोटे कर लेते हैं। तो कुछ सेकंड इन मसालों को पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज की लाल मिर्च। तो मैंने साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे ये जो मसाला बनेगा वो बहुत ही टेस्टी लगेगा और जो आलू हैं वो बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। तो मिर्ची के मैंने डंठल निकाल दिए हैं और अब इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। अब इनको हल्का सा सोटे कर लेते हैं। तो मसालों का कलर चेंज होने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है इसके अंदर। तो अब इन मसालों को हम अच्छे से ठंडा करेंगे और अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का छोटा ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें ये मसाले डाल देंगे। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसे बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा ही रखा है। और दूसरी तरफ आलू भी चेक कर लेते हैं। मैंने बीच में एक दो बार इन्हें चला दिया था, तो आप देख सकते हैं इन पर कैसा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। तो आलू 90% पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 पिंच हींग। यदि हींग का फ्लेवर आपको पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे अमचूर का पाउडर। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और साथ ही 6-7 लहसुन की कलियां ले लेंगे। इसे मान दस्ते में हम इस तरह क्रश कर लेंगे। तो इसे एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसे मोटा मोटा ही रखना है, तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये अदरक और लहसुन को हमने इस तरह क्रश कर लिया है। तो ये फ्रेश अदरक और लहसुन हम इन आलूओं में डाल देंगे। तो फ्रेश अदरक लहसुन का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, जब ये आलूओं के साथ थोड़े पकेंगे तो बहुत ही एरोमेटिक फ्लेवर देंगे। अब स्वादानुसार नमक डाल देते हैं इसके अंदर, और जो मसाला हमने तैयार करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं। तो आप चाहे तो इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं, थोड़ा मसाला मैंने बचा लिया है, थोड़ा ज़्यादा था ये। 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो गरम मसाला ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये मसाला तैयार किया है। जब हम ये फ्रेश मसाला इस्तेमाल करते हैं इन आलूओं के अंदर तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस 1 मिनट हम इसे और पका लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन है वो भी पक जाएं और सारे मसाले भी इसके अंदर अच्छे से कोट होकर पक जाएं।
तो आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि आलुओं में कितना अच्छा कलर आने लगा है और मसालों में बहुत ही अच्छे से ये कोट हो गए हैं। तो लास्ट में कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप इस सब्जी को टिफिन बॉक्स में भी इसीलिए दे सकते हैं, ऐसे स्नैक्स भी इसे खा सकते हैं और इसे सब्जी के तौर पर भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही फटाफट, बहुत ही मसालेदार आलू की सब्जी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें इसे। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।